आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो देखते रहे स्टूडियो को। नमस्कार, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जी हाँ, देखिए ये रहा स्प्लैश टॉप नाम का सॉफ्टवेयर है। ये आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है सिंपली आपको, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली ईमेल आईडी डालना है अपना यहाँ पर, और उसके बाद पासवर्ड डालना है, और कन्फर्म पासवर्ड डालना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आप अपने ईमेल आईडी में जाके वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसे वेरीफाई जरूर कर ले, वरना ये नहीं चलेगा। तो वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको करना क्या, अपने लैपटॉप में आना है और यहाँ पर एक वेबसाइट है www.splashtop.com/downloads, इस पर जाके यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जी हाँ, देखिए ये रहा। उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। ये मैं इंस्टॉल करने नहीं जा रहा क्योंकि मेरे में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए इसे। उसके बाद सिंपली इसे आपको ओपन करना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसे। अब आपको यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन में डाला था वो आईडी और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूँ, आपके जीमेल अकाउंट में एक मैसेज आया होगा, तो वहाँ पर जाके वेरीफाई ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल पे आना है और यहाँ पर सेम वही आईडी और पासवर्ड डालना है वो एप्लीकेशन में जो आपने इंस्टॉल करा था अपने फ़ोन में। तो चलिए मैं पासवर्ड डालता हूँ। ये मैंने पासवर्ड एंटर करा। जैसे आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। देखिए मनोज सारू, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमोट डेस्कटॉप, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपके फ़ोन में जो है, अब आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गया है आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। तो आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को। देखिए रहा, मैं आपको माई कंप्यूटर पर ओपन करके दिखाता हूँ मोबाइल से। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर एक्शन हो रहा है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में सेम एक्शन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यूट्यूब वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आप हमसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ये हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस जिन्हें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्नोलॉजी ज्ञान। गुड बाय।